एंड वेलकम बैक जी जनाब. अब वक्त हुआ है हमारे बहुत ही पॉपुलर सेगमेंट का जिसका नाम है मिलो पाकिस्तान से. आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसे टैलेंटेड यंगस्टर्स से जो यकीनन अपने धुन में मगन हैं और अपने पैशन को ही परसू कर रहे हैं. आज हमारे साथ मौजूद होंगी क्रिंजा मोमन और माशाल्लाह शी इज मेकिंग हिस्ट्री, शी इज यू नो मूविंग फॉरवर्ड बाई लीप्स एंड बाउंड्स. सबसे पहले इनके बारे में आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट और फिर इनसे मुलाकात भी करते हैं. लेट्स टेक अ लुक. पाकिस्तान के लिए एक और एजाज. कराची से ताल्लुक रखने वाली क्रिंजा मोमन गूगल डेवलपर बन गई. 2019 में गूगल ने पाकिस्तान में पहली बार स्टूडेंट डेवलपर प्रोग्राम का आगाज किया जिसमें क्रिंजा मोमन बतौर गूगल डेवलपर सेलेक्ट हुई. इसके अलावा क्रिंजा मुख्तलिफ हैकाथॉन्स भी अपने नाम कर चुकी हैं. डेवलपमेंट सेक्टर में क्रिंजा की काविशों को सराहते हुए गूगल ने क्रिंजा को खराज तहसीन भी पेश किया और उनके एजाज में वीडियो भी जारी कर दी. क्रिंजा मोमन आगे के लिए क्या ख्वाब रखती हैं और खवातीन के लिए क्रिंजा क्या क्या काम करना चाहती हैं, ये सब हम जानेंगे आज पाकिस्तान में. जी जनाब, मेरे साथ मौजूद हैं द वंडरफुल, द अमेजिंग, द करिश्मेटिक क्रिंजा. आई से ऑल ऑफ दिस बिकॉज मुझे बड़ा इंस्पायरिंग लगता है व्हेन यंग गर्ल्स आर परसूइंग व्हाट दे वुड लाइक. मैं आपको बताती चलूं कि इन्होंने दो नेशनल हैकाथॉन्स और एक इंटरनेशनल हैकाथॉन अपने नाम किया है. ये वो वाली हैकिंग नहीं है जो आप समझ रहे हैं. दिस इज अबाउट क्रैकिंग अ ब्रिलियंट आइडिया और फिर उसको टेक्नोलॉजी बेस करना, उसके लिए सोल्यूशन देना एंड अ सोल्यूशन दैट द जजेस थिंक इज परहैप्स द बेस्ट. तो आइए मुलाकात करते हैं क्रिंजा से. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल चाल है आप? बिल्कुल ठीक. आप सुनाए. तो मुझे बहुत खुशी है कि यू हेयर. टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट हाउ यू गॉट इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग. वैसे तो कहा जा रहा है कि अब स्कूल्स के करिकुलम को रिवाइज होने की जरूरत है. कोडिंग एंड डेवलपिंग शुड बिकम अ कोर पार्ट ऑफ आवर करिकुलम. डू यू बिलीव द सेम? ट्रू. आई थिंक जैसे लाइक व्हेन आई स्टार्टेड विद माय, आई वाज लिटरली क्लूलेस अबाउट कोडिंग एंड एवरीथिंग, राइट? एंड यू नो व्हेन स्पेशली व्हेन वुमेन जस्ट स्टेप इन सच अ करियर वेयर यू नो मैन डोमिनेटिंग करियर फील्ड है, सो ऑफ कोर्स वुमेन फाइंड वेरी इंटिमिडेटेड. तो आई थिंक इसका मकसद, इसका एक जो वो क्वेश्चन होता है वो ये है कि हमारी नॉलेजेस और जो इंडस्ट्री में काम चल रहा है ना, देयर इज अ वेरी यू नो ह्यूज गैप बिटवीन दैट. लेकिन क्रिंजा मुझे ये बताओ कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, जब शुरुआत में थोड़ा मुश्किल होता है. इफ आई लुक एट द आईटी लैंडस्केप इन पाकिस्तान, मुझे विमेन लेड इनिशिएटिव्स नजर आ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस नजर आ रही हैं, लेकिन जो हमारे हार्ड कोर डिवेलपर्स हैं जो सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं या जो पाकिस्तान के यू नो आईटी लैंडस्केप को डिजाइन कर रहे हैं, उसमें देयर इज लेस जेंडर डाइवर्सिटी. और वहां पे ऑफकोर्स आप एक बहुत टैलेंटेड डिवेलपर हो, लेकिन वो जो टीम्स हैं उसमें लड़कियां कम क्यों हैं? आई थिंक हम पहले जो बात करते थे वो कहते थे कि यार ग्लास सीलिंग को तोड़ना है. आई थिंक वो टूट चुकी है, बट द मेन प्रॉब्लम इज दैट वी आर नॉट गिविंग इनफ अपॉर्चुनिटीज टू द वुमेन और टू द अंडर रिप्रेजेंटेटेड ग्रुप्स कि वो आए और अपना शोकेस करे ऑल द टैलेंट्स. एंड दैट्स वेयर आई थिंक दीज काइंड ऑफ कम्युनिटीज कम इन, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू टेक. क्योंकि यू नो टेक, नॉट जस्ट टेक कम्युनिटी पर से, बट लाइक एनी कम्युनिटी इन पाकिस्तान, इट स्टार्ट्स अ काइंड ऑफ कन्वर्सेशन. एंड ऑफकोर्स उस कन्वर्सेशन का पार्ट बायस नहीं होता कि इट जस्ट मैन कैन पार्टिसिपेट. नो, यू अंडरस्टैंड इट? सो देयर इज व्हाट बेसिकली कम्युनिटीज आर बेसिकली पार्ट ऑफ. एब्सोल्युटली. क्रिंजा, मुझे तुमसे पूछना है कि हाउ डिड यू बिकम इंस्पायर्ड? यानी हम सब ने सुना है, अगर 10-15 साल पहले की बात करो, इवन इफ आई वॉन्ट आई कैन नेवर फॉरगेट अरफा, बिकॉज अरफा वॉज लाइक अ यंगर सिस्टर टू मी. शी वॉज वेरी क्लोज टू मी और हमारी मुलाकात जब वो बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट से जीत के आई थी तब हुई थी. तुमने अरफा का नाम सुना? She at any level inspire you? Yes, absolutely. I mean, she was very young. She was very passionate about technology especially. So I think she is like iconic to, you know, for women. When did you hear her name, Arfa? I think it was long ago, and of course my dad always told me about that. And yeah, I mean, she was not the only one. There were also women who were working, and again, the opportunities weren't enough. कि वो सारी वुमेन को एक प्लेटफॉर्म मिले. ठीक है, मुझे ये बताओ कि जब इंटरनेशनल हैकाथॉन में गई, मैं हमेशा स्टूडेंट से या हमारे यंगस्टर्स से ये सवाल जो इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं ये जरूर पूछती हूँ कि हमारा कैलिबर, यू नो द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन व्हेन कंपेयर टू इंटरनेशनल हैकाथॉन्स, क्या एक्सपोजर मिला तुम्हें, क्या फर्क महसूस हुआ कि क्या हम
हमारे यहाँ पाकिस्तान में उसी लेवल का काम हो रहा है, और वॉज द इंटरनेशनल हैकाथॉन फार मोर इंटेंस फॉर यू? आई थिंक इफ वी आर गोइंग आउट इन हैकाथॉन्स एंड वी आर विनिंग इट, दैट क्लियरली शोज इट्स अ विटनेस दैट वी आर केपेबल ऑफ वर्किंग इन सच अ कम्युनिटी. कम्युनिटी होती है, यू नो, यू आपके पास ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज आती है, एंड व्हेन यू गो आउट देयर एंड व्हेन यू आर, यू नो, पार्टिसिपेटिंग इन दैट, you are winning it, that means that you have the same kind of caliber and so you have the same kind of skill set like, so this is a kind of, you know, a kickstart to other people to think about, like, ke aap bhi achieve kar sakte the same kind of opportunity that other people have at this time. What do you want to say about the IT landscape in Pakistan right now? Mujhe lagta hai ke bahut sare startups, apps, solutions are great ideas, lekin वो टेक ऑफ नहीं कर पाते, तो तुम्हें क्या लगता है, वो डेवलपमेंट की फॉल्ट होती है, क्रिएटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम की फॉल्ट होती है, या पीपल आर नॉट रेडी? व्हाट डू यू थिंक आर द बिगेस्ट हर्डल्स? टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक फंडिंग इज, विच इज बेसिकली, आई थिंक अब वो उसको ओवरकम करे, बिकॉज लास्ट टू ईयर्स, पास्ट टू ईयर्स, इवन आफ्टर कोविड, पाकिस्तान में इतनी फंडिंग्स आ चुकी है ऑलरेडी. तो पीपल लाइक इनिशियली ये होता है कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट, यू आर नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट इट, आप अपना पैसा नहीं लगाना चाह रहे होते कि यार मेरा लॉस हो जाएगा या कुछ. सबसे बड़ी बेवकूफी है अगर आप अपने आइडिया पे बिलीव नहीं करते हैं, इफ यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन योर ओन आइडिया, व्हाई डू यू एक्सपेक्ट अदर पीपल टू डू दैट? ऑफकोर्स. सो दिस इज वन रीजन. अदर रीजन इज दैट कि हम अपने जॉब्स के साथ बहुत कंफर्टेबल हो गए कि अगर मेरे पास 60K या 70K या 1 lakh की जॉब ऑफर है, देयर इज लाइक ये किचन इनकम है, इट्स ईजी और हमें ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं. सो दिस इज द माइंड सेट. आई थिंक डर लगता है अपने आप को, दैट लीप ऑफ फेथ से कि ये सिक्योरिटी ब्लैंकेट भी जाएगा. एक कॉलर है आपके लिए, कृंदा, उनसे बात करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी. कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अहमद लाहौर से बात कर रहा हूँ. कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अपने डब्बे में मैं बीच में नहीं हूँ, तो मैं एडजस्ट कर रही थी अपने आप को. जी बताइए. आज का जो मिलो पाकिस्तान है, दैट वाज वेरी, दैट इज वेरी फैंटास्टिक. थैंक यू. और आज जो है क्रेंजा मौजूद है आपके साथ, तो ये सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है कि खवातीन भी जो है टेक्नोलॉजी में आगे आ रही हैं, वेब डेवलपिंग के हवाले से, दीगर जो इनकी अचीवमेंट्स है, मैंने फर्स्ट टाइम इनको देखा है और रियली अप्रिशिएटेड. अच्छा देखिए, ये बहुत सारी लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन है कि कई दफा हम अपने जहन में एक डब्बा, एक यू नो, एक दीवार खड़ी कर लेते हैं कि हम इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते. लेकिन मुझे आपसे एक और सवाल करना है. मुझे बताइए कि जिस तेजी से टेक्नोलॉजी हमारे लाइफस्टाइल को, हमारी जिंदगी में, कि हम इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते. लेकिन मुझे आपसे एक और सवाल करना है. मुझे बताइए कि जिस तेजी से टेक्नोलॉजी हमारे लाइफस्टाइल को, हमारी जिंदगी को बदल रही है, ये आपको किसी तरह के खौफ में, एंजाइटी में मुब्तला तो नहीं करता कि भाई एक वक्त ऐसा आएगा कि जैसे अब आप बैंक की हेल्पलाइन पर कॉल करते हैं तो आगे आपको एक ऑटोमेटेड रिप्लाई सुनाई दे रहा होता है, कि हम ह्यूमन कॉन्टैक्ट के लिए तरस जाएंगे? कभी कभी ये खौफ आता है आपके जहन में? हाँ, ऐसा तो होता है. हाँ. लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से जिंदगी आसान होती जा रही है, ये इसका प्लस पॉइंट है. सही, बिल्कुल. थैंक यू सो मच फॉर दैट कॉल. कृंजा, आप इसी सवाल का क्या जवाब दोगे? आपको लगता है कि विद टाइम ह्यूमन कॉन्टैक्ट एंड यू नो सिटिंग फेस टू फेस, एंड स्पेशली कोविड भी है, टेक्नोलॉजी भी है, दिस विल बिकम अ थिंग ऑफ द पास्ट? यू नो, आई थिंक हम ये बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी विल टेक ओवर. आई थिंक मैं हमेशा से ये बात करती हूँ कि जहाँ टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस है, वहाँ क्रिएटिव जो इंडस्ट्री है हमारी, उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. राइट. ट्रू. और ये जो कोविड का बिल्कुल जो सिनेरियो आ गया था, आई थिंक उसमें कितनी क्रिएटिव इंडस्ट्री ने हेल्प की हमें कि कम्युनिकेट करवाए. एंड ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो पार्ट कि हम कितने कनेक्टेड रहे विद आवर फैमिलीज अब्रॉड और विद आवर फैमिलीज जो कि हमारे साथ नहीं है एट दिस मोमेंट. तो आई थिंक द कनेक्शन, ऑफकोर्स ह्यूमन इंटरेक्शन मिसिंग है. जैसे लाइक आई रिमेम्बर जब हम लोग लाइव इवेंट्स, ऑन साइट इवेंट्स करवाते थे, इट वॉज फुल ऑफ क्राउड, यू नो, आपको फीडबैक एट दैट मोमेंट मिल रहा होता था. देयर इज अ बस टू दैट. या ऑफ कोर्स, तुम अभी अपना आइडिया और अपना, यू नो, मैं देख रही थी तस्वीरों में, व्हेन यू विन, द पीपल अप्रिशिएटिंग, आप स्टेज पे खड़े हैं, वो सब ना हो तो बड़ा अजीब सा लगे. ऑफ कोर्स, मतलब लाइक आई रिमेम्बर जब मेरा फर्स्ट, जब लास्ट हैकाथॉन हुआ था, लेटेस्ट जो हैकाथॉन था वो ऑनलाइन था, तो आई वॉज लाइक वेरी नर्वस. वैसे मुझे नर्वसनेस नहीं होती, ऑन स्टेज नर्वसनेस नहीं होती, बट बिकॉज I was alone in the room in front of, you know, just a laptop.
तो वो एक कम्युनिकेशन मिसिंग थी, एक यू नो द एनर्जी वॉज मिसिंग एक्चुअली. एब्सोल्युटली, बट वी लव योर एनर्जी एंड कंग्रेचुलेशन. थैंक यू सो मच. इट इज अमेजिंग टू हैव अ हेयर. और मुझे लगता है कि आई डोंट नो व्हाई, मुझे लगता है कि मी एंड क्रिंजा विल बी वर्किंग टुगेदर, डूइंग समथिंग इंटरेस्टिंग टुगेदर. बट लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक, वापस आएंगे और उसके बाद प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे. स्टे विद अस.